हम यहाँ पूरी धूमधाम से बानी का पहला करवा चौथ मनाने जा रहे हैं और वो उसका पति उसका होते हुए भी उसका नहीं है। करवा चौथ का व्रत रखो नहीं रखो कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैंने कहा था कि नहीं रखना तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना सा नहीं कर सकती थी, तो कौन सा बहुत बड़ा काम था? और वैसे भी व्रत ना रख के वो रूप क्या करना चाहती है? क्या कोई बात है क्या? एक हफ्ते से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं ले रही, इज देयर प्रॉब्लम? नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक हफ्ते से आई वाज वेरी बिजी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं क्या फील कर रही, इट्स इम्पोर्टेंट कि अभी अपने लिए किसी और को ढूंढे। प्लीज आपू, तुम्हें कोई मेडल नहीं देने वाला है। और वैसे भी जब जिंदगी अपने आप खुशी दे रही है तुम्हें, उसे ना कहने की क्या जरूरत है? हक है तुम्हारा टू बी हैप्पी। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वाइफ हो तो तुम रखोगी व्रत, बट इट्स ऑलराइट, आई मीन आई डोंट केयर रियली, यू नो। सो सिर्फ कह रहा था मैं, अगले साल रख लूंगी। भी दो ना दिल के राज हुआ मुझे, न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी। Hey Anna, guess what? तो तुम अपने favorite barista कब मिलने आ रही? Harry, I'm really busy. मैं बाद में बात करती हूँ। मैं मर सकता हूँ, तुझे काम की पड़ी? कैसी दोस्त को? चलो अपने कमीने बॉस का नंबर दो, मैं अभी उसकी क्लास लेता हूँ। I'll talk to you later, Harry. Please, I'm busy. Hey, what's up? Thank you. I really needed this. क्या हुआ? तुम लोग चलिए बाहर गए थे, मुझे बुलाया नहीं। Impromptu plan था, Cherry was feeling bit low. तो how is she now? कल तुमने छुट्टी ली थी, hangover था क्या? Oh God, what's with the third degree यार? मुझे नहीं पता था कि अपनी हर छुट्टी के लिए मुझे पहले तुम्हें बताना होगा। वैसे भी 3 महीने से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, not even Qatar. What's bothering you? What is wrong with Cherry? मैंने क्या किया है यार Vandy? Exactly. तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया है? Did you call her even once? I did. She doesn't want to talk. I thought उसको स्पेस चाहिए तो कूल डाउन हो जाएगी, मैं बात कर लूंगी। स्पेस? रियली? वो भी तब जब उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चेरी ने हमेशा हमारा साथ दिया है ना, मेरे डैड के टाइम पर, तुम्हारे फैमिली इश्यूज के टाइम पर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ यार? I'm always there for you too. Seriously Anna, जब से उस संस्कारी ने उसे छोड़ा है, she is feeling terrible about herself. और जब उसने जोक किया, to make it worse, you were laughing at her. I didn't mean it that way, yeah, Vandy. You know me. You, Harry, वो हैरी के साथ जाना चाहती है, you know him. Yeah, Harry, he likes you. What? Oh, come on, don't tell me कि तुम्हें पता ही नहीं he likes you. कतर में लास्ट डे जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, तब तुमने ही कहा था ना कि उस पार्टी में सब कह रहे थे कि he likes you. और उस रात कार में जब तुमने उससे ये सवाल पूछा तो वो एकदम चुप हो गया। वो तुम्हें पसंद करता है आना। I mean, it's okay, हम सबको attention अच्छा लगता है यार, जब तक वो harmless है, obvious ना है। लेकिन ये क्या? अगर वही harmless attention Cherry को चाहिए, तो उसमें problem क्या है? या फिर तुम उसे बांटना ही नहीं चाहती? What are you saying, Vandy? तुम जानती हो Harry हमेशा flirt करता रहता है, and it's all harmless. मैं कोई stupid लड़की नहीं हूँ जिसे ये सब बातें समझ में नहीं आती है। अगर यही बात मुझे किसी और ने बोली होती ना, I wouldn't have given a rat's ass. But you, ये तुम मुझे कह रही हो कि मैं अटेंशन बांटना नहीं चाहती हूँ, मुझे उसकी अटेंशन अच्छी लगती है। Do you even realize I'm a happily married woman? Or you don't? Thank God at least my husband trusts me. Really? Hi. Hi. What a lovely surprise. Guys, please excuse me.
हाय मिसेस मेरा। हाय। मुझे पता नहीं था तुम्हारी मीटिंग चल रही है। सॉरी। इट्स फाइन, इट्स फाइन। क्या बात है अचानक तुम यहाँ? रोहित, डू यू ट्रस्ट मी? क्यों पूछ रहे हो? यू नो मी रोहित, मैं छोटी बातों का इशू नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी बातों का इशू बना दो तो बहुत बड़ा ड्रामा बन जाता है। अगर तुम समझ रही हो कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं समझा। But whatever it is, I'm sorry. What? Why are you sorry? Because तुम यहाँ तक आई हो तो मेरे से knowingly और unknowingly जाने अनजाने में वो कोई गलती की होगी मैंने, तो if I've made a mistake, I'm sorry and I'll make sure it never happens again. It's not about you. Oh, okay, then. It's about Harry. Harry. Harry, Mister. Harry, better. Let's talk about Harry. क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ नहीं है. It's nothing important. But since Vandy pointed out, तो मुझे लगा I should let you know. क्या? उस दिन रात को when he had called me, वो हर्निया पेन हो गया, मैं उसके पास गई थी। I think he was a bit drowsy, heavy medications and वो casually कुछ बोल रहा था, which was very weird. मुझे नहीं अच्छा लगा। उसने मुझसे कुछ कहा। क्या? कहा? He said that I'm his favorite speed dial girl. Excuse me? His favorite speed dial girl? Yeah. And he also said that you are a very lucky man. No, that I am. But what does he mean by you are his favorite speed dial girl? Iska kya matlab hota hai? I don't know. Okay, I'll ask him. What do you mean you'll ask him? Yeah, I'll ask him. Na, I mean, how dare he tells my wife speed dial girl? Rohit, please, aise call wall mat karna usko. It's nothing major. Main tumhe ye sab isliye bata rahi hu because I'm starting a new project with him and I'm really excited about that. Lekin agar tum kahoge ki main na karu ye kaam to main nahi karungi. Although I really want to. No, I don't care whether you want to or you don't want to. तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती बस। आना मेरी वाइफ को वो बोल रहा है अपनी स्पीड डायल गर्ल। What are you? Are you hooker like his loose character girlfriend? पहली बार देखा था ना मैंने इसको। मैं समझ गया था रामजादा है साला। He can't. Sorry, you can't work with him. Sorry. तूने ये सब कहा? अब पागल है क्या? ये कहना चाहता था, लेकिन कहा नहीं। मैं तो कह दिया कि नहीं। तुमको क्या लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो तुमको कहेगा कि नहीं तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच में आऊंगा? नो स्वीटी, इफ यू थिंक इट्स गुड फॉर यू, यू शुड डू इट। और ये हैरी और ये सारी बातें जो उसकी ना छेछोरी, दीज आर स्मॉल स्टूपिड थिंग्स। बिल्कुल है ना, एंड फोकस ऑन व्हाट यू डू, व्हाट यू आर गुड एट। बस सिर्फ ना ये ऐसे लोगों को यू शुड कीप देम एट एन आर्म्स लेंथ, थोड़ा दूर। नो पर्सनल कॉल्स, नो डिनर्स। या नो डिनर, ऑब्वियसली। या ऑब्वियसली। थैंक यू। एनी टाइम। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, खूब भरी निगाहों से देख रही थी मेरी तरफ तो मैंने कह दिया वारे वाह, डिनर सीन तो कैंसिल हो जाएगा जो एक घंटे का होता है, लेकिन उस आठ घंटे का क्या जो वो उसके साथ काम करती है? सोचा उसके बारे में यार, क्या करूं, काम है उसका ना, काम तो करेगी, रोक भी नहीं सकते यार। बैठ जा, तेरी डीलरशिप है। अब देखना यार, उसने निकी के लिए कितना कुछ किया है ना, मेरे लिए इतनी लाविश बर्थडे पार्टी थ्रो की, तो यार इन वे तो कमाल है ना। और मैंने जब कहा जो मैंने कहा तो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बड़ा एक रिस्पेक्ट सा देखा यार, तो आई फेल्ट गुड यार। और आना के सामने मैंने उस हैरी को पूरा चिजोरा प्रूफ कर दिया। पछताएगा साले, तू पछताएगा, याद रखना मेरी बात को। कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरी बीवी ना उसको कोई हॉट बोलता ही नहीं। दैट्स डैम सैड यार, आई मीन नॉट रियली, भाभी जी हॉट है। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि यार है ना, मैं बड़ा पहले शायद ऐसे ही भाव दे रहा था उसको, हैरी को ज़्यादा, you know, I was reading too much into it, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। And I'm very happy कि आना ने आकर मुझे सब कुछ ऐसे साफ साफ बता दिया। I understand, I get it now. तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? तूने अपनी जिंदगी पूनम भाभी जैसी बीवी के साथ बिताई है। तो
और अभी अना जैसे इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ तुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है यार। और इसमें तुझे ये भी दिखाना कि तू एक महान पति है, ग्रेट हस्बैंड, ओपन माइंडेड, नॉट जेलस, वो क्या बोलते हैं उसको, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड, वही जो तू नहीं है। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ यार अपने आप को बदलने की। अच्छा, लेकिन ये बात सच है कि औरतें बदल रही हैं भाई, हम वक्त के साथ नहीं बदल रहे। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, अगर औरतें बदल गई है तो इट्स अ गुड थिंग यार, हमें लगेगा लेकिन हम भी बदल जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यार, मेरी फर्स्ट फीलिंग तो यही थी ना कि आना उस हैरी के साथ काम ना करे, नहीं रुक पाया उसे, तो नाउ आई एम डीलिंग विद इट, है ना, आई एम टेकिंग इट माय स्ट्राइड, ट्राइंग टू बी अ गुड हस्बैंड, ओपन माइंडेड, यू नो। हाय हाय, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ये लीजिए, अ गिफ्ट फॉर यू। मूंगफली? अरे गोल्डन डायमंड्स है मैडम। ओह सो प्रेशियस। तो सुनो, हम दोस्त हैं ना, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी डेट की डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, कम लेट्स गो फॉर अ वॉक। आई लव दिस प्लेस। तुम्हें पता है जब रोहित और मेरी शादी हुई थी तो हम दोनों यहाँ बहुत आते थे। थैंक्स फॉर द इन्फो, पर मगर पूनम मैं भी अपनी डेट के बारे में बात कर। सॉरी, तुम बताओ, मैं मूंगफली खा रही हूँ। तुम ही ने मुझे डेट पे भेजा और अब तुम ही इंटरेस्ट नहीं कुछ सुनने का? मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह नो 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 मैडम, अब आपने टिकट खरीद ली है तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, मतलब सुननी पड़ेगी। सो इट वॉज फक ऑल, इट वॉज रियली बैड। अब आया इंटरेस्ट मेरी स्टोरी में? बताओ। हर सेंट वॉज लाइक वॉशिंग पाउडर निर्मा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वॉशिंग मशीन के साथ मैं डेट पर आया हूँ। उसकी शक्ल मतलब आर्ट वाली भूत, इतना पाउडर थोपा हुआ था। तुम्हें ज्यादा मजे आ रहे ना कि मेरी डेट बहुत ही बुरी गई? हाँ हाँ हाँ, ए लूज शिफ्ट्स आर इन बेब। रियली? या सोनम, आलिया, एवरीवन वेयर्स इट। यप, विकी बी भी कांस्टेंटली लूज ड्रेसेस में ही पैप्ड होती है। पैप्ड? By the way, who is this Vicky B? Like seriously, Victoria Beckham bro. Oh अच्छा, तो तू Vicky B तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो तेरी Victoria बुआ हो। Hey Arya, just stop pulling his leg, yeah. KD has a very good fashion sense. हाँ, and the loose fits. Loose shifts. Yeah whatever. और पानी, ये loose कपड़े पहनने का क्या फायदा? इतनी hot body है, कुछ wear something hot ना? Arya मतलब कुछ भी यार। चल try कर। Yeah please. Arya, yeah. Go try these. Please, yaar. Try these. I don't want to hear anything. Go. Yeah, whatever. Fast. Yaar, Bani, I don't understand Dhruv ka this obsession of boom banging inside the car. I mean, मुझे लगता है कि जितना टाइम मैंने उसके साथ रूम में स्पेंड नहीं किया है ना, उससे ज्यादा तो कार में स्पेंड किया है। एटलीस्ट शादी कर ले, रूम तो रहेगा। पूजा तुम पागल है क्या? Are you out of your mind? प्लीज शादी कभी मत करना, ओके? शादी इज दिस क्लोज टू कमिटिंग सुसाइड। प्लीज डोंट गेट मैरिड एवर। वानी प्लीज, आर्या इज अ वेरी लविंग हस्बैंड एंड बोथ ऑफ यू आर हैप्पी। यार पूजा, आर्या ने हस्बैंड का मोर बच्चा ज्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ बेबी एट होम। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया। सीरियसली, व्हाट द फक डिड यू जस्ट से? अरे आर यू फॉर रियल? तूने कहा कि यू आर हैप्पी कि मिसकैरेज हुआ? रियली? अरे दैट्स रियली चीप ऑफ यू टू ओवरहियर आवर कन्वर्सेशन। आई एम चीप राइट नाउ? या दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नो यू नीड टू ग्रो अप। You're always overreacting, यार। अरे क्या कर रहा है यार? मुझे पता है। ओके? प्रॉब्लम तुझ में, मुझ में नहीं, समझी? एंड यू नो व्हाई? यू फकिंग नो व्हाई? बिकॉज तेरे जीन्स में ही नहीं है टू बी हैप्पीली मैरिड। तेरे खून में ही नहीं है। जैसा बाप वैसी बेटी। फक, व्हाट द फक जस्ट हैपेंड? The end just happened.
बैंडी चेहरे को मैसेज करूं? अरे आ रही हूं। डैड, डैड, he's not home. He's on his way. क्या हुआ? बस बस बस, that's it. अब सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी. जो भी हुआ दोबारा नहीं होगा, बट प्लीज ये बैड डेट पे फिर से मत भेजना प्लीज. ओके. घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ. और फिर? फिर सपने देखो. फिर? बाय. सुनो, रात को फोन करूं? एज अ फ्रेंड. ओके फ्रेंड, बाय. तुमसे कोई बात नहीं करनी है. I'll just wait for dad. You have some work, right? Just can you just do that? I don't want you to see me cry. Please, can you leave me alone? Pani, I don't want to leave you alone. क्या हुआ? And how was it? Stop it, Yashina. Aha, missing you already. Ananya? Hello? Hi, Ananya. Bani yahan hai. Tum busy ho kya? Nahi, batao. Okay, listen, don't get worried, okay? But mujhe aisa lagta hai ki Arya and Bani have had a fight. Thodi trouble lag rahi hai wo. And Rohit is also with her. I think tumhe yahan hona chahiye. I'm coming. Okay, see you. मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है. Pani needed me and I was not in the house. Poonam, please don't be so hard on yourself. Come on, एक छोटी सी fight हुई होगी उन दोनों के बीच में. And you know how hot-headed Pani is. Sheena, Pani की mistakes को ठीक करने के लिए I have to be there. वो मेरी बेटी है. लेकिन तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना है. इतनी सारी responsibilities तुम निभाती हो. But please understand कि your life as a mother and as a woman will always intermingle with each other. अरे तभी तो us women are such great multitaskers. बच्चे बड़े हो गए हैं पूनम, हर बात में तुम उनकी मदद तो नहीं कर सकती हो. प्लीज अंडरस्टैंड पूनम कि इट्स ओके कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक अलग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिले. Sheena, I understand, but I have to rush. पूनम, क्या हुआ मानी? हाथ तो नहीं उठाया तुमने उसने? नहीं डैड, अगर ऐसा करता तो I would have chopped off his balls. What happened? जब से आपका और मॉम का डिवोर्स हुआ है ना, my life has been a mess. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. I want to take
control over my own life. I think I need a break. What do you mean break? I feel trapped. So nahi ho raha. So, beta, if you think it'll help, if you want a break, take a break. That bit. आर्य ने जो कहा वो सब कहेंगे क्या? ये सब आप वैसी बेटी जी भारी राइट नाउ योर हैप्पीनेस योर वेलबींग इज ऑफ अटमोस्ट कंसर्न टू मी ओके दुनिया भाड़ में गई उनको जो बोलना है बोलने दो यू डू व्हाट यू हैव टू डू वी विल सॉर्ट इट आउट टुगेदर या I think it'll be a good idea अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रहो तो। Dad अब अपने मॉम को छोड़कर अनन्या से शादी कर ली है। I'm still not cool with that. I'm sorry I can't stay. Oh, I'm sorry. मैं मॉम से बात करती हूँ। I'll wait for her. देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ।